आज हम लोग आरोही क्रम और अवरोही क्रम के बारे में जानकारी लेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि आरोही क्रम क्या होता है। तो उसको जानने के लिए जब हमें संख्या या अंक को बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं तो वह आरोही क्रम या अंक कहलाता है। जैसे 3, 4, 5, 6, 7 आदि। आप इसमें देखेंगे कि जो भी लिखा जा रहा है सभी के सभी बढ़ते क्रम में लिखा जा रहा है। उसी तरह से 12, 13, 14, 15, 17, 21, 25 आदि। यह सब भी देखें तो सभी का सभी बढ़ते क्रम में लिखा जा रहा है। इसे एक साधारण उदाहरण से भी समझा जा सकता है। जैसे सीढ़ी से ऊपर चढ़ना आरोही क्रम कहा जाएगा। अब आते हैं अवरोही क्रम किसे कहते हैं। जब हम अंक को घटते हुए क्रम में लिखते हैं तो उसे अवरोही संख्या या अवरोही अंक कहते हैं। जैसे 9, 8, 6, 3, 1 आदि। आप यहाँ देखेंगे जो भी संख्या लिखी जा रही है वह घटते क्रम में लिखी जा रही है। उसी प्रकार 251, 248, 206, 200, 190, 183। यह भी देखें, यहाँ भी देखें, यह सब के सब घटते क्रम में लिखे जा रहे हैं। इसे एक साधारण विधि से भी समझ सकते हैं। सीढ़ी से नीचे उतरना अवरोही क्रम कहा जाता है। अब हम संख्या नाम के बारे में जानेंगे कि संख्या नाम होता क्या है। तो समझे इसे, जब हम गणितीय रूप में दिए गए संख्या को शब्दों में लिखते हैं तो उसे संख्या नाम कहते हैं। जैसे 645, 208, 900 आदि। इस प्रकार इससे संबंधित अन्य प्रश्न भी हम हल कर सकते हैं। अध्याय के पूरा प्रश्न हल करने का प्रयास करें। जिस प्रश्न को हल करने में परेशानी हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखे, उसे हल करके फिर आपको बताया जाएगा।